सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो दोनों ही चीज के तरफ ध्यान देना है कि हम अपनी शक्ति को भी संभाले और सामूहिकता में रचते जाएं, तभी आपके अंदर पूरा संतुलन आ जाए। लेकिन बाह्य में आप बहुत कार्य करते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सहयोग के लिए बहुत कार्य किया और काफी अच्छे भाषण देते थे, बोलते थे, उनके भाषणों को उन्होंने फिर टेप बना ली। फिर लोगों से कहने लगे कि अच्छा आप हमारी टेप सुन, तो लोग हमारी टेप छोड़ के उन्हीं की टेप सुनते थे। और उनका यह हाल था कि जैसे अभी हम बैठे हैं तो वो हमारे फोटो को तो नमस्कार करेंगे, हमें नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फोटो की आदत पड़ी। हमसे उनको कोई मतलब नहीं, वो फोटो से मतलब। ऐसे ऐसे विक्षिप्त लोग हमने देखे। फिर उन्होंने अपने फोटो छपाए और फोटो सबको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हम वैसे हम वैसे। इस तरह से अनेक तरीके से वो अपना ही महत्व बढ़ाते करते करते ऐसे गड्ढे में गिर गए अनायास, उनके समझ में नहीं आया और एकदम पता हुआ कि छूट गए सहयोग से, कहीं भी नहीं। लोग मुझे कहते वहां तो बड़े लीडर थे, वो तो इतने ये थे, हाँ थे तो सही, लेकिन वो गए कहां, गए क्या करें, एकदम काफूर हो गया, कहां बताए कैसे। तो ऐसे लोग क्यों निकल गए, क्योंकि संतुलन नहीं, और जब संतुलन नहीं रहता है तो आदमी या तो लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। और जैसे मैंने बहुत बार कहा कि दो तरह की शक्तियां हमारे अंदर है, जिससे कि हम सहयोग की ओर खींचते भी हैं, और दूसरी शक्ति जिससे हम बाहर फेंके जाते हैं। जैसे एक रस्सी में अगर आप पत्थर बांध कर घुमाएं तो पत्थर घूमता रहेगा जब तक रस्सी से बंधा है, और जैसे रस्सी से छूट जाएगा एकदम काटकोण में, टेंजेंट में फेंका जाएगा। इसी प्रकार बहुत से लोग सहयोग से निकल जाते हैं। तब फिर लोग कहते हैं माँ देखिए सहयोग में बहुत लोग कम हो गए। मैं क्या करूं, अगर कम हो गए तो इसमें सहयोग का नुकसान तो हुआ नहीं, इसमें उनका ही नुकसान हुआ। सहयोग का बिल्कुल भी नुकसान नहीं, क्योंकि जिसको नुकसान और फायदे से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी जो चीज है उसका क्या नुकसान हो सकता। हाँ, अगर आपको अपना फायदा करा लेना है तो आप इस चीज को जान लीजिए कि सहयोग को आपकी जरूरत नहीं, आपको सहयोग की जरूरत। सो ये योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति। एक तो है कि संबंध जुड़ जा रहा, लेकिन दूसरा है युक्ति। ये युक्ति समझ लेनी चाहिए कि ये युक्ति क्या है। इसपे तीन तरह से समझाया जा सकता है। पहली तो युक्ति ये है कि हमें इसका ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान का मतलब बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे उंगलियों में, हाथ में, अंदर कुंडलिनी का पूर्णतः जागरण होना, ये ज्ञान। और जब ये ज्ञान हो जाता है तब और भी ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सी बातें जो आप नहीं समझ पाते थे वो आप समझ पा सकते, और आप समझने लग जाते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। और इस ज्ञान के द्वारा आप लोगों की कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं, और उनसे आप
पूरी तरह से आप एकाग्र हो सकते हैं, उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस ज्ञान के कारण। तो आपको बौद्धिक ज्ञान भी उससे आ जाता है, आप सहयोग समझते हैं, नहीं तो कोई समझ सकता था पहले? पीड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे, एक ही डोर उड़ाऊंगा, इस तरह की बातें जो करता था कबीर, तो कोई समझता था उसको? नानक की कोई बात समझता था या ज्ञानेश्वर जी की किसी ने कोई बात समझी नहीं, लाओत्से की किसी ने कोई बात समझी नहीं? कोई तो भी मिस्टीरियस चीज है, कोई बड़ी गोपनीय बात कह रहे हैं ऐसे समझ करके लोग रखते थे। लेकिन सहयोग के बाद आप सब समझने लग गए, तो आपका बुद्धि चातुर्य भी बढ़ गया, उसकी भी चतुरता आ गई, आप उसको समझने लग गए। ये तो बात ठीक है कि आप उसे समझने लगे और ऐसी बातें जो अगम्य थी वो भी गम्य हो गई और सब बात को आपने जान ली। सो तो एक युक्ति हो गई कि आपने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब दूसरी युक्ति क्या, वो है कि जो आप हमारे प्रति भक्ति करें, उस भक्ति को भी जब आप करते हैं तब आप अनन्य भक्ति करनी चाहिए, माने आप हमसे तदाकारिता पर, जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही आप सोचने लग जाए, आज देर हो गई समझ लीजिए, तो हम भी कह सकते थे भाई हम बहुत थक गए, रात भर के जगे, अब हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन हमने ये सोचा कि नवरात्रि है तो रात ही में करना है और यही मुहूर्त हमको मिलना था, यही मुहूर्त है, इसी वक्त ये पूजा होनी चाहिए और ये होना ही चाहिए, तो हमको करना ही, और ये बड़े आनंद से हम कर रहे हैं क्योंकि शुभ मुहूर्त यही है और उस वक्त हमें सज्ज होना चाहिए। उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हम थक गए, कि हमने आराम नहीं किया, कुछ भी नहीं, यही मुहूर्त है। जैसे एक लड़वैया अगर रणांगण में गया है, उसने देखा कि अपने सामने दुश्मन खड़ा, यही टाइम उसको मारने का, उसी वक्त उसे मारना चाहिए। उसी प्रकार यही समय है जबकि हमें ये पूजा करनी चाहिए, तो हम बैठे हैं, और आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि यही समय माने बांधा है, यही समय हमारे लिए उचित है, इसलिए हमें इसी वक्त पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो आधे अधूरे लोग हैं वो उल्टी बातें सोचेंगे, अब हम सवेरे से आके बैठे हैं, हमने ये किया, अभी हमें भूख लग गई, हमने खाना नहीं खाया, बच्चे सो रहे होंगे, अनन्य भक्ति नहीं हो, क्योंकि मेरा जो सोच विचार है वो आपके सोच विचार में नहीं है, मैं जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं सोचती, किसी के लिए मैं जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं सोचती, किसी के लिए भी मैं सोचती हूँ कभी कभी, माँ ये आदमी इतना खराब है, ऐसा है, मैं कहा जी नहीं, बिल्कुल अच्छा बढ़िया आदमी है, कैसे आप कह रहे हो, कैसे कहा आप? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो देख रही हूँ ये क्यों नहीं देख रहे, अगर ये मेरी ही आंख से देख रहे हैं तो इनको वही दिखाई देना चाहिए जो मैं देखती हूँ, वैसे तो बात नहीं, ये तो कुछ और ही देख रहे हैं, तो अनन्य नहीं हुआ, अन्य हो गए, दूसरे हो गए। उसी प्रकार जैसे हमारा प्यार आपके प्रति, और एक ही चीज से हम तृप्त होते हैं कि आप सबके प्रति वैसा ही प्यार रखें, अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर ये लगता है कि अन्य है, ये अनन्य नहीं। अगर हमारे ही शरीर के ये अंग प्रत्यंग हैं, तो जो हम हैं ऐसे ही इनको होना चाहिए ना, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही इनको सोचना चाहिए, जैसा हम करते हैं वैसा ही इनको करना चाहिए, तो ये दूसरा क्यों सोचते हैं?